दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं दिनेश लाल यादव के घर, जो कि भोजपुरी के हैं सुपरस्टार। तो चलिए गाइस, हमें भी नहीं पता था कि दिनेश लाल यादव का घर हमारे गांव में ही है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए गाइस, हम आपको आज दिखाते हैं दिनेश लाल यादव का घर। तो चलिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के घर हम आपको ले चलते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये गाइस बढ़ते हैं अगली तरफ। तो दोस्तों, ये जो आप घर देख रहे हो, ये इनका पुराने वाला घर है, जो कि मेन डोर में भी ताला लगा हुआ शायद। तो इधर हम जा नहीं पाएंगे, उधर आगे वाले घर की तरफ जाएंगे। तो देख सकते हो, मैं पीछे से आपको एक बार दिखा देता हूँ घर इनका। ये देखिए, ये जो इनका पुराना घर बना हुआ है यहाँ पर। तो यार दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये रोड अभी जो उनका पुराने वाला घर है, जो नए वाला घर है उधर की तरफ जाएगा, और ये एकदम जो रोड है सैदपुर है वहाँ निकल जाता है। तो अभी ब्रजेश और ये छोटे वाला मेरा भांजा, हम दोनों साथ आए हुए हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम नए घर की तरफ उनके। तो दोस्तों, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और जा रहे हैं उनके दूसरे घर पे। अभी तो फ़िलहाल पुराने वाले घर पे आए हुए थे। अभी मैं बाइक चला रहा हूँ और देखो मेरे पीछे ब्रजेश और प्रेम बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर में हम उनके घर नए वाले पे पहुँचने वाले हैं, जो कि एक बार यहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह भी उतरा। तो गाइस, हम यहाँ पर थे नहीं और मुझे भी नहीं पता था कि इनका घर यहाँ पे है। तो मेरे पीछे जो ब्रजेश बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया था कि हुआ घर आप पास में ही है। तो मैंने कहा चलो हम भी ब्लॉग बना लेते हैं और साथ साथ आपको घर भी दिखा देंगे। तो जो भी हमारे साथ कुछ होगा, जो भी वीडियो में होगा, सब आपको दिखाया जाएगा। चलिए गाइस, वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर दिनेश लाल यादव का जो हेलीकॉप्टर था उतरा था। अब तो यहाँ पर मतलब कि खाद वगैरह हो गया और सामने उनका घर दिख रहा है। तो चलो हम उनके घर में लेके आपको चलते हैं गाइस। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उनके घर में और यहाँ पर यार कुत्ते भी हैं। ये दिनेश लाल यादव का घर है, जो कि अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पेंटिंग बनी है एक उधर। तो हम मेन डोर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस, हम अंदर आ चुके हैं और देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने डॉगी भी पाल रखे हैं। तो देखो, तीन कुत्ते हैं जो कि अलग अलग ब्रांड के हैं यहाँ पर। और ये सामने इनका मेन घर है, जो कि हम एंटर अंदर कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये पार्क बनाया हुआ सामने, और जो खरंजा वरंजा रखा हुआ है यहाँ पर सब। तो देखो सामने उनके अंदर जा रहे हम। तो देखिए, सामने ऑफिस बना हुआ है इनका और यहाँ पर सोफे वगैरह रखे हुए हैं। और तो यहाँ पर उनकी फैमिली तो दोस्तों, इनके भी यहाँ पर फैमिली तो ही है। और फिलहाल हम यहाँ पर आपको पीछे जो लुक है वो दिखा सकते हैं। और अभी इनके यहाँ कोई फैमिली का नहीं रहता है, तो फैमिली रहती तो थोड़ा हमें कुछ जानने को भी मिलता। और यहाँ पर अभी दिनेश लाल यादव भी मौजूद नहीं है और ना यहाँ पर इनकी शूटिंग वगैरह कोई। तो हमने जो आपको इस वक्त दिखाया है, उनका घर सारा मुआयना करा दिया है, तो देख लिए, और इनके ऑफिस में भी दिखाई दिया है। तो गाइस, जब भी फ्यूचर में कभी आएंगे तो हम जरूर उनसे मिलेंगे और आपको भी अपनी वीडियो में ज़रूर मिलवाएंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइस, इन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, किस तरह भूख रहे हैं। देखो, मैं खाली के लिए रखे हुए हैं। प्रेम डर गया। देखो
कौन कौन से ब्रांड के पाले हुए हैं। तो भैया को देखो काट नहीं रहे, उन्हें सब जानते हैं। प्रेम डर गया था अभी। तो चलिए गाइस हम बाहर चल रहे हैं और उनका ये मेन डोर है जो कि जिससे हम बाहर जा रहे हैं। तो देख लीजिए सामने से कुछ इस प्रकार से है घर उनका। चलिए गाइस अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा आपको। बाय बाय।